बहुत ही सत्कार योग शख्सियत परमात्मा दी रजा विच हर समय राजी रहने वाली गुरु घर प्रति सच्चे श्रद्धावान श्रीमती विनोद कुमारी जैन जो कि बहुत ही मिठ बोलड़े सुभा दे मालिक सन। आप जी ने अपनी जिंदगी विच सखत मेहनत कीती अते परमात्मा विच अटूट विश्वास रखिया। आप जी दे चंगे संस्कार सदका अज उन्हां दा परिवार आपो अपने कारोबार विच अपने परिवार दे नाम नूं रोशन कर रहा है। श्रीमती विनोद कुमारी जैन हुणां दी याद विच इक धार्मिक समागम उना दे समूह परिवार वालों लोक पद्महाल SEN जैन स्कूल द्रेसी विखे करवाया गया जिस विच वड्डी गिनती विच उच्च शख्सियतां ने शिरकत कीती अते कुछ शख्सियतां वालों श्रीमती विनोद कुमारी जैन जी दे कीते कम्मां नूं याद करते हुए उना नूं श्रद्धा दे फुल पेंट कीते। पेश है इस धार्मिक समागम दा विशेष प्रसारण। परिवार है जिसकी
कि समाज को अनन्य अनन्य दीन है, भाव है हमारे परम पूजनीय पूज्य साध्वी अमित गुना जी महाराज और उनके चाचा जी हमारे बाबा जी महाराज और उनके तीनों सुपुत्र रतन जो वर्तमान में हमारे धर्माचार्य तीनों के तीनों परम पूज्य बड़े भैया परम पूज्य विजय धर्मग्रंथ सुरेश्वर जी महाराज है और परम पूज्य आचार्य दिवेश पूज्य श्री नित्यानंद विजय जी महाराज है। और आप मान सकते हैं कि जब ऐसे पुद्गल और ऐसा आशीष ऐसा वात्सल्य प्रेम जिस जीवात्मा को मिला हो उसमें सद्गुण होना स्वाभाविक है और उन्हीं सद्गुणों को ग्रहण करते हुए उन्होंने अपना जीवन यापन किया। लाला बनारसीदास जी जैन गुजरांवाल वाले उनसे परिणय सूत्र हुआ और दोनों का संगम परमात्मा और गुरु के प्रति सदा सदा श्रद्धा मान रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करना और बच्चों को वही संस्कार देना ऐसा धर्म दोनों ने निभाया है और भाई सुभाष जी तो आज भी निभा रहे हैं। समाज का कोई भी कार्य हो धर्म का कोई भी कार्य हो अपने शक्ति से बढ़कर भी वो अपनी सहायता अनुदान सेवा और धर्म जो है वो निभाते हैं। समाज की सभी संस्थाओं का सिंचन करते रहते हैं चाहे वो शिक्षा की संस्था हो चाहे वो धर्म की संस्था हो चाहे वो परमात्मा का मंदिर हो सबको सहयोग देना और अपनी भक्ति का परिचय देते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना वो अपना परम कर्तव्य समझते हैं। इस दृष्टि से वो श्रम उपासक गुरुकुल श्री यादव वाले श्रम उपासक गुरुकुल जो हुसैनपुरा में स्थित है उनको अपना सकीना सहयोग सदा सदा प्रदान करते रहते हैं। तो ऐसे दुख की बेला में सबसे पहले गुरुकुल की ओर से और बल्लभ सेना की ओर से भाई दीपक जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा के भाव व्यक्त करें। ये पाली दाना जी तीरथ की स्पर्शना करते हुए और परम पूज्य गुरु भगवंतों के दर्शन वंदन मंगल पाठ सुनते हुए अपने जीवन का अंतिम क्षण जो उन्होंने बिताया ऐसे जीवात्मा को मैं बारंबार वंदन करूंगा और जिन शासन देव से यही प्रार्थना करूंगा कि उनके जीवन के गुण हम सबके अंदर में भी आ जाए हमारा जीवन भी इसी प्रकार से बने धर्म गुरु और देव के प्रति समर्पित। इसी शब्दों के साथ में मैं अपने भावों को पुनः पुनः व्यक्त करता हुआ जाने वाले दिवंगत जीवात्मा के चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परिवार के प्रति हार्दिक हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। श्रमण पासर गुरुकुल विजय वल्लभ सेना उत्तरी भारत के प्रधान भाई संदीप जी जैन जैन कॉटन वाले चंडीगढ़ रोड मंदिर के कन्वीनियर भाई के जी जैन और समस्त कार्यकारिणी की तरफ से और विजय इंद्रनगर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ के समस्त समाज की तरफ से जाने वाले दिवंगत आत्मा के श्री चरणों में भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ममता मई हसमुख हमेशा प्यार से मिलने वाली एक शख्सियत थी सबको स्नेह वात्सल्य से मिलना ये उनके जीवन की विशेषता थी। मृगावती महिला मंडल की जो सदस्य थी पोषाकर देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित श्री मंदिर जी में जाना गुरु भगवंतों की मैया वर्ष करना ये सारे गुण उस जीवात्मा में थे। बस ज्यादा ना कहता हुआ यही समीक्षा
करता हूं कि वो देवात्मा जीवात्मा जहां भी विराजे परमात्मा के चरणों में, परमात्मा उसे अपने चरणों में स्थान दे और परिवारजनों को ये असह्य दुख सहन करने की तौफीक अता करे। कैसे मन में भाव परमात्मा की आशीर्वाद से मन में उत्पन्न हुए कि जानने लगे, पहले मैंने ऑपरेशनों के लिए लोग एमजीएस हॉस्पिटल में आंखों के ऑपरेशनों के लिए पैसे देने के पश्चात जाना है। कैसी भावना थी कि शायद मेरा यहां पर पंजाब में द्वारा आना ही ना हो, किस रूप में मैं जा रही हूं और किस रूप में मुझे वापस आना है। वहां पर परमपिता परमात्मा ने पालीदान ने दर्शन किए, यात्राएं की और गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री नित्यानंद सिंह महाराज साहब के दर्शन वंदन किए, क्योंकि परम आदरणीय माता जी महाराज उनके जो बचपन है सारा उनकी गोद में ही उन्होंने बिताया। यहाँ पर उपस्थित है माननीय पिताजी सह मंत्री एडमिनिस्ट्रेटरी अमराज जी, सह मंत्री टोनी जी और भी एग्जेक्टिव यहाँ पर अवेलेबल हैं, सारे के यहाँ पर सांसों देने के लिए परिवार को आए हैं। उन सब की तरफ से और इनके अंतर्गत आती हुई चारों जैन संस्थाओं की तरफ से लोक वर्मा एमजीएस हॉस्पिटल के चेयरमैन श्री श्री जी जैन अमन, श्री प्रदीप जी, श्री अश्विनी जी प्रधान, श्री अरुण जैन बोगरा जी और हमारे सारे कार्यकारी एग्जेक्टिव मेंबर भूषण जी, एग्जेक्टिव मेंबर वीर जैन बिट्टा जी और टोनी जी, दर्शनलाल जी, सारी एग्जेक्टिव जे जे राजा जी, सारी एग्जेक्टिव यहाँ पर बैठी है, क्योंकि श्री सुभाष जी भी हमारे एक एग्जेक्टिव मेंबर है। स्वर्गीय श्रीमती विनोद कुमारी जैन एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। देव गुरु धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित शांत और सेवा भावनाओं से ओतप्रोत थी। उनका मधुर व्यवहार, दानशीलता और निरंकार स्वभाव बड़ा प्रशंसनीय था। अपने जीवन काल में अनेकों धार्मिक यात्राएं की। जो भी आपके द्वार पर सहायता के लिए आया वो कभी खाली नहीं गया। असल में वह ममता की देवी थी। मैं पंजाब केसरी ग्रुप के प्रधान संपादक पद्म श्री विजय कुमार चोपड़ा जी की ओर से तथा अपने परिवार लाला शिंबूमल, बगीरामल, अमरचंद जैन उपवाल मलेर कोटला और लुधियाना की ओर से जिन शासन देव भगवान महावीर स्वामी जी तथा स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा परिवार को जो गहरा आघात लगा है उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करे। परिवार की ओर से विभिन्न संस्थाओं को दान राशियां भेंट की गई है। एमजीएस हॉस्पिटल, विमल विवेक पत्रिका, आतंकवाद श्रोपासु गुरुकुल, माता चक्रेश्वरी देवी तीर्थ सदन, ओस्त्रा तीर्थ, कुष्ठ आश्रम, पुरानी गौशाला, श्री रूपचंद जी समाधि जगराम, यूएसबीसी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल, विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, विजय वल्लभ समाधि मंदिर सेवन लाइन, मृगावती महिला मंडल, दाल बाजार मंदिर, सुंदरनगर जैन मंदिर, श्री बाला बाबा भैरा जी तीरथ, आतंकवल्लभ जैन पाठशाला, एसएन जैन स्कूल कमेटी, इन संस्थाओं को दान राशियां भेंट की है। उन सभी संस्थाओं की ओर से मैं परिवार को हार्दिक साधुवाद देता हूँ। परिवार, इस दुख की बेला में आप सबके दुख में सहभागी बनने पर आपका आभार व्यक्त करते हुए बाहर से आए हुए सभी मित्रों संबंधियों से विनय पूर्वक अनुरोध करता है कि भोजन की व्यवस्था पीछे श्रीमती नगीना देवी जैन